ओम शांति। 5 नवंबर। शुरुआत थी बाबा ने बहुत सुंदर ढंग से की है। तुम बच्चों को अतिंद्रिय सुख भासता है जब तुम इस खुशी और नशे में रहते हो कि हम भगवान के बच्चे हैं, बच्चे बन गए हैं। वो वर्षा देने आ गया है, वो हमें पढ़ाने आ गया है। तुम भारतवासी जानते हो, हम पवित्र देवी देवता थे, निर्विकारी थे, इसलिए भारत में मंदिर बनाए जाते हैं देवी देवताओं के। अब हम फिर से पवित्र देवी देवता बन रहे हैं। बाबा कह रहे द्वापर युग से ये 5 विकारों की बीमारी धीरे धीरे लगी, फिर ये नासूर बन गई। सब पतित हो गए हैं, सब बीमार हो गए हैं। मैं ही सुप्रीम सर्जन हूँ जो इस बीमारी का इलाज करता हूँ, बाकी कोई इस बीमारी का इलाज करना जानता ही नहीं। भले ही साधु संत हुए, वेदों शास्त्रों का ज्ञान रहा, लेकिन कोई भी 5 विकारों की बीमारी का इलाज नहीं कर पाया। सन्यासियों में बहुत क्रोध रहता है, बहुत लोग काम के वश भी रहते हैं। तो बाबा हम सबको कई बार आज कह रहे, तुम्हें बहुत नशा रहना चाहिए, उमंग रहनी चाहिए। बाबा हमें राजाई देने आया है, हम उनसे राजाई अवश्य लेंगे। पढ़ाने आया है, पढ़ाई में मेहनत तो की ही जाती है, इस पढ़ाई से तुम्हें राजाई मिल रही है। तुम अपनी कमाई कर रहे हो। दूसरी बहुत सुंदर बात है, तुम कमाई करने आए हो, इस कमाई में घाटा नहीं डालना। लौकिक में भी कमाई के लिए कितना सिखाया जाता है, बच्चे भी प्रयास करते रहते हैं हम धन कमाएं। माँ बाप बिजनेसमैन हैं तो सब कुछ सिखाते रहते हैं, तुम्हारी कमाई में घाटा पड़ जाएगा अगर अंदर एक बाहर दूसरी ये रहेगी। अगर तुम सच्चे नहीं होंगे, अगर तुम में अवगुण रहेंगे, अगर क्रोध करते रहेंगे, तुम में बुराइयां बहुत रहेंगी, तो तुम्हारी कमाई बहुत अच्छी नहीं हो सकेगी, तुम्हारी तकदीर महान नहीं बन पाएगी। अब मैं तो तुम्हें तकदीर ऊंची बनाने की विधि बता रहा हूं, अब वो तुम्हारे हाथ में है, तुम कितनी कमाई करो। तो हर एक को अपने से पूछना है, भगवान आकर श्रीमत दे रहे हैं, बहुत बड़ी डायरेक्शन दे रहे हैं, ऐसे करो ऐसे ना करो, तो क्या हम उस पर चल रहे हैं? फिर बाबा कह रहे हैं, सेवा की बात आज की मूल्य बहुत ज्यादा है। प्रदर्शनी लगाते हो और म्यूजियम बनाते हो, लोग वहां आते हैं, बहुत आते हैं। तुम्हें बहुत अच्छी तरह ये समझाना है कि भगवान कौन है। आज की ज्ञान की मुख्य बात ये भी है, कोई श्री कृष्ण को भगवान कहते हैं, कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान कहते हैं, परंतु ये सब भगवान नहीं है। श्री कृष्ण को सभी गॉड फादर नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को सभी धर्म वाले लिबरेटर भी नहीं कहेंगे, गाइड भी नहीं कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सब नहीं मानेंगे, वो तो देवताएं हैं। मैं निराकार हूं, मैं इस सृष्टि पर आता हूं सबके दुख हरने के लिए। जब मुझे बुलाते हो, हे लिबरेटर आओ, तो मैं आऊंगा ना, आऊंगा भी तब जब लिबरेट करने की जरूरत हो, जब तुम सब पतित और दुखी हो जाओ, तो मैं आता हूं। लेकिन तुमने मुझे न जाने के कारण मेरी बहुत ग्लानी की। कच्छ मच्छ अवतार, पत्थर में, सब गंदगी में भगवान सब जगह रहता है। भला गंदगी में भगवान रहता है क्या? उसके मंदिर में जाने के लिए मनुष्य कितनी सफाई करता है, मंदिरों में कितनी सफाई रहती है, देवताओं के भी। भगवान गंदगी में रहेगा? पतित मनुष्यों के अंदर रहेगा क्या? उसको तो पाने के लिए भी पावन बनना पड़ता है। तो तुमने मेरी बहुत ग्लानी की, इसलिए तुम गिरते आए हो। मैं सब जगह नहीं हूं, मेरा धाम परम धाम है। ये 3 फ्लोर है परम धाम, जहां तुम आत्माएं भी रहती थी, मैं भी वहीं रहता हूं। 1st फ्लोर
सेकेंड फ्लोर सूक्ष्म वतन है और थर्ड फ्लोर ये दुनिया है, स्थूल लोक। तुम आत्माएं वहां से पार्ट बजाने आए हो, तुम हीरो एक्टर हो। कुछ आत्माएं एक दो जन्म भी लेते हैं, थोड़ा सा पार्ट बजाते हैं, उन्हें तो हीरो एक्टर नहीं कहेंगे। तो तुम्हें भगवान का परिचय अच्छी तरह सबको देना चाहिए, लिखाना चाहिए, दो चार पांच बातें लिख कर रखनी चाहिए। सबसे सही लो हाँ या ना, गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, गंगा में नहाने से पाप नहीं कटेंगे, ऐसी ऐसी बातें। मनुष्य 84 लाख योनियों में नहीं जाती है मनुष्य आत्मा, ऐसी ऐसी बातें लोगों को समझाओ, छोटी छोटी बच्चियों को पक्का करो, छोटी छोटी बच्चियां समझाएं तो लोग आश्चर्यवत होंगे कि कैसे छोटी छोटी बच्चियां इतना बड़ा ज्ञान दे रही हैं। फिर बाबा कह रहे हैं तुम्हें सेवा का बहुत शौक होना चाहिए, मंदिरों में जाओ, तीर्थों पर जाओ, वानप्रस्थियों के आश्रमों में जाओ, उनकी भी सुनो, ट्रेन्स में जाओ, देवी देवताओं के मंदिर में, शिव के मंदिर में जाओ, समझाओ भगवान कौन है। उसे ही तो सब ढूंढ रहे हैं, उसी के लिए सब इधर उधर भटक रहे हैं, तो तुम्हारी सेवाएं बहुत वृद्धि को पाएंगी। तो आज हमें विशेष रूप से चेकिंग करनी है, हमें अतिंद्रिय सुख रहता है कि भगवान के बच्चे बन गए हैं, वो पढ़ाने आ गया है हमें, सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान दे रहा है, उसने सब राज खोल दिए हैं, और हम अपनी तकदीर महान बनाने के लिए अपने सभी अवगुणों को निकालते रहें। जितना योग युक्त रहेंगे तकदीर महान बनेगी, जितना पवित्र बनेंगे तकदीर महान बनेगी। तो बहुत अच्छा चिंतन इन सभी बातों पे करते रहना है। आज का वरदान है नॉलेज की लाइट और माइट के द्वारा विघ्नों को नष्ट करने वाले नॉलेज फुल भव। नॉलेज को, ज्ञान को लाइट भी कहा जाता है और उससे शक्ति भी मिलती है। विघ्न विनाशक गणेश को कहते हैं, वो विघ्नों को नष्ट करने वाले हैं और उनको विद्यापति भी कहते हैं, अर्थात संपूर्ण ज्ञान भी उनके पास है, वो बहुत बुद्धिमान है। तो जिनके पास नॉलेज की लाइट है और योग की शक्ति है, वो विघ्नों को सहज ही नष्ट कर सकते हैं। तो अपने अंदर सदा लाइट और माइट की स्मृति को एक्टिव रखो, तो तुम्हें सभी विघ्नों को तुम समाप्त करने वाले बन जाओगे। स्लोगन है, आपके अंदर जो भी बुराइयां हैं उन्हें प्रभु को विल कर दो, तो विल पावर बहुत बढ़ जाएगी। तो आज का हमारा अभ्यास होगा, हमें अपनी तकदीर को बहुत महान बनाना है, इस नशे में रहना है सारा दिन, हम भगवान के बच्चे बन गए तो उसका जो कुछ है वो हमारा है, और ज्ञान सूर्य से बाबा सिर के ऊपर है, उसकी किरणें निरंतर मुझ पर पड़ रही हैं। हर घंटे में एक बार अभ्यास करेंगे, कम से कम एक मिनट के लिए। ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोस ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.